सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सैन्यो के न्यू स्मार्ट टीवी लॉन्च के बारे में। सैन्यो ने इंडियन मार्केट में अपनी लेटेस्ट स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दी है, जिसकी प्राइस 12,999 रुपीज़ से स्टार्ट है। इंडियन मार्केट में बढ़ती किफ़ायती स्मार्ट एलईडी की डिमांड को देखते हुए टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब सस्ते स्मार्ट टीवी लॉन्च कर रही हैं। हाल ही में सैन्यो ने भी इंडियन मार्केट में अपनी लेटेस्ट स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दी है और इस टीवी के दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। इंडिया में सैन्यो पैनासोनिक का ऑनलाइन ब्रांड है। सैन्यो ब्रांड के ये नए स्मार्ट एलईडी टीवी ई कॉमर्स साइट amazon.in से ख़रीदे जा सकेंगे। सैन्यो के नए टीवी की प्राइस 12,999 रुपीज़ और 22,999 रुपीज़ है। सैन्यो नेबुला सीरीज़ के नए टीवी यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, एंड्रॉयड मिररिंग, इन प्लेन स्विचिंग जैसी टेक्नोलॉजी से लैस हैं। फास्ट कास्ट और एंड्रॉयड मिररिंग जैसे फीचर्स होने की वजह से आप अपने पसंदीदा कंटेंट को सीधे मोबाइल से अपने सैन्यो नेबुला टीवी पर देख पाएंगे। तो अगर आप इन टीवी को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप आसानी से इन स्मार्ट टीवी को ख़रीद सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव, सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।